बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने आई इन्फेक्शन के पैथोजन को कवर किया था और रिस्पायरेटरी ट्रैक के पैथोजन को कवर किया था। तो काफ़ी सारी वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आपको ये सारी वीडियोस माइक्रोबियोलॉजी की पॉइंट्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको SCQs या MCQs पेपर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का सिनेरियो आ जाए तो आपने किस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोस करना है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस होते हैं, यानी कौन से बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो पहले हम बैक्टीरिया को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो कितने टाइप का होता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ओके, सिस्टाइटस, दूसरा हमने पढ़ना है पाइलोनेफ्राइटस। स्पेलिंग मैंने खराब लिख दिया है, पाइलोनेफ्राइटस होता है, यानी अगर किडनी की इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर इसको नेफ्राइटस बोलते हैं, जबकि सिस्टाइटस का मतलब है ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन है। और लास्ट हम देख लेते हैं प्रोस्टेट है। ओके, प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टाइटस बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टाइटस। तो सिस्टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लेडर है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लेडर। फिर हम देखेंगे इनके कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लेडर, जबकि पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ किडनी। तो हम इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी बोल सकते हैं, जबकि लास्ट होता है प्रोस्टाइटिस। तो प्रोस्टाइटिस का मतलब है इन्फेक्शन ऑफ या इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट। ओके, तो इस तरह से आपने प्रोस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस और सिस्टाइटिस की डेफिनेशन को कवर कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कि जो सिस्टाइटस होता है, ओके, तो सिस्टाइटस है उसको भी आगे मजीद दो में डिवाइड कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। इसी तरह जो पाइलोनेफ्राइटस होगा वो भी कॉम्प्लिकेटेड और नॉन कॉम्प्लिकेटेड में डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, तो हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटस या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो थोड़ी सा टाइम की कमी है तो मैं जल्दी से शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ। जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसा सिस्टाइटस जो कि किसी हेल्थी वुमेन के अंदर होता है, ओके, हेल्थी वुमेन के अंदर उसको अनकॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, जबकि कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सिस्टाइटस जो इसके अलावा तमाम ग्रुप्स में होता है। ओके, यानी जो हेल्थी, हमने एक रेफरेंस बना दिया कि हेल्थी वुमेन में सिस्टाइटस हो तो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसके अलावा अगर में हो लाइक मेल्स आ जाते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, ओके, यहाँ पे केस प्रेगनेंसी की नहीं थी, प्रेग्नेंट वुमेन है या डायबिटीज वाले मेल या फीमेल है या जिनके एनाटॉमिकल या न्यूरोलॉजिकल है या जिससे कि कोई भी कोई पैथोलॉजी है, ठीक है, ओके, पहले कोई पैथोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है ब्लेडर की या यूरिनरी ट्रैक की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। अब हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। ओके, ठीक हो गया, और फिर हम डिफरेंट कंडीशन वगैरह को भी देख लेंगे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, द मोस्ट कॉमन, इसको रट्टा मार लो, द मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं, ई कोलाई होते हैं, ई कोलाई होते हैं। तो फिर हम मोस्ट कॉमन के अंदर आपने एग्जाम्पल लिखनी है वो है ई कोलाई है, ठीक हो गया। इसके बाद रिलेटिवली कॉमन के अंदर हम इसी कैटेगरी के लिख लेते हैं लाइक क्लेबसिला होता है, प्रोटीएज होता है, ये भी कुछ ना कुछ हद तक कॉमन इन्फेक्शन करा देते हैं ब्लेडर का। लेकिन इसके बाद अगर कोई हेल्थ केयर इन्फेक्शन है, अगर हेल्थ केयर है, ओके, मैं आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसलिए बता दूँ क्योंकि आपने स्नैरियो के अंदर इन्हीं को पकड़ के आपने आंसर बताना है, ठीक है, या किसी की कोई एनाटॉमिकल या न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी है ब्लेडर की। ओके, नंबर वन हेल्थ केयर इन्फेक्शन, नंबर टू एनाटॉमिकल या न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज है, और नंबर थ्री ये है कि कोई एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ की गई है। ओके, एंटीबायोटिक एक्सपीरियंस्ड है तो एंटीबायोटिक्स कुछ ज़्यादा यूज़ कर ली गई है। ओके, ठीक हो गया। जो हेल्थ केयर और इन सब कंडीशन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो सूडोमोनास का काफ़ी कॉमन होता है, सूडोमोनास एरोजिनोसा है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो यंग वुमेन होती है, यंग वुमेन के अंदर ग्राम पॉजिटिव के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। ओके, लाइक जो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो यंग वुमेन के अंदर, यंग वुमेन के अंदर वैसे स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस वाला काफ़ी कॉमन होता है, स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। ओके, लेकिन स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस के अलावा और कौन कौन सी स्पीशीज होती है, एंटीरोकोकस की भी आ जाती होती है, लेकिन स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस का रट्टा मार लेना। आपने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर स्टाफिलोकोकस ओरिस नहीं लिख देना, ठीक है। अच्छा, फंजाई कौन से आ जाते हैं, जो फंजाई है वो कैंडिडा होता है, लेकिन कैंडिडा का इन्फेक्शन रिलेटिवली अनकॉमन होता है। लेकिन वो कौन कौन से वायरसेज है जो हेमरेजिक सिस्टाइटस करवाते हैं, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी के अंदर। जो हेमरेजिक सिस्टाइटस था ये साइक्लोफॉस्फामाइड और फॉस्फामाइड से होता था, लेकिन जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है ये होता है ए बी
सी से ए से एडिनो वायरस, ओके, बी से बी के वायरस और सी से साइटो मिगैलो वायरस। ठीक हो गया, ओके, इससे ज़्यादा हमें इजी नहीं करके दे सकता, ओके, ठीक है। अब जो वायरस होते हैं जिसे स्टेटस करवाते हैं उन इंडिविजुअल के अंदर जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सप्रेस है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर करवाते होते हैं। ठीक हो गया, ओके, तो ये तो आपको मैंने बता दिया सिस्टाइटिस का। अब जब भी सिस्टाइटिस की सिनेरियो आ जाएगी आपने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। इसके बाद आती है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी पैरेन्काइमा। अब इसको भी दो में डिवाइड कर देते हैं कि एक होता है कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है हेल्थी के अंदर, बाकी सब के अंदर वो होगा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। तो आप इसके पैथोजन को देख लेते हैं। इसके पैथोजन के अंदर वही पहली बात कि जो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन तो वो ई कुलाई होता है, जबकि रिलेटिवली कॉमन के अंदर क्लैप्सिला और प्रोटीएस आ जाते होते हैं, ओके, क्लैप्सिला और प्रोटीएस वगैरह आ सकते हैं। इसी के अलावा जो हेल्थ केयर इन्फेक्शन होता है, ओके, हेल्थ केयर इन्फेक्शन, तो वो हेल्थ केयर के अंदर आपको पता है कि जो नोजियोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो सूडो मोनास एरोजिनोजा की वजह से होता है, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर स्ट्रोवाइड स्टोन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रोवाइड स्टोन है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? स्ट्रोवाइड स्टोन ये प्रोटीएस के इन्फेक्शन को करेगा, क्योंकि प्रोटीएस के अंदर जो स्ट्रोवाइड स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं किडनी के अंदर, ओके, ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म हिमाटोजिनस सेपरेट करके आ रहा है, तो हिमाटोजिनस सेपरेट यानी कोई ब्लड से आता हुआ किडनी के पास आता है, तो इस केस में जो इन्फेक्शन होता है वो स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, ओके, और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और आपने पढ़ा था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रीनल ट्यूबरक्लोसिस कराता है। ठीक हो गया। अब लास्ट है प्रोस्टाइटिस। जो प्रोस्टाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट है। अब इसके अंदर जो पैथोजन होते हैं, ओके, यंगर पेशेंट के अंदर हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, यंगर और ओल्डर। यंगर के अंदर आपने याद रखना है जो हमारे गनोरिया वाले थे, गोनोकोकस वाले थे, और क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, भाई बहन है, ठीक है। इसके अलावा जो ओल्डर के अंदर जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं, और तीसरा हम लिख लेते हैं हिमाटोजिनस या ब्लड, और ब्लड से स्टाफिलोकोकस ऑरियस आएगा, जबकि ओल्डर के अंदर ई कोलाई का आपने नाम लिख लेना है। ठीक हो गया, ओके, तो ये आपको मैंने पूरा स्केच बता दिया कि अगर सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस या फिर इस किस्म के सिनेरियो आते हैं तो इस केस में आपने किस तरह से डायग्नोस करना है। एक बात आप नोट कर सकते हो कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा ई कोलाई से होता है, वो भी ओल्डर इंडिविजुअल के अंदर या मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जबकि यंगर के अंदर प्रोस्टाइटिस, गोनोकोकस और क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस से होता है। जो स्टाफिलोकोकस ओरियस है वो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन करवाता है, ठीक है, यानी ब्लड से होता हुआ आएगा, जबकि यंग वुमेन के अंदर जो सिस्टाइटिस होता है सेप्रोफाइटिकस से होता है, और हेमरेजिक सिस्टाइटिस वायरस ए बी सी है, एडिनो वायरस, बी के वायरस और साइटोमिगैलो वायरस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नया सीखने को या कुछ पुराने सीखने की रिवीजन हो गई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।